मम्मी तो बहुत गुस्सा है। सच्ची में चाय ना पानी कुछ भी नहीं है, ऐसे जा रहे हैं हम। अब तक आपने कहा सुबह 6 बजे चले जाना। नहीं हमने नहीं बोला था, हम तो 8:30 बजे जा रहे हैं। नहीं 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 है ना, सच्ची हम तो रात में अब बड़े तो हम 11 बजे वहां से निकलते हैं, 6:00 बजे निकलते हैं वहां से। तो आपकी तो कोई बात ही नहीं है ना, बात तो बाबू की। मैं तो निकल जाता ना, मैं घर होता जाता ना। पापा इतने परेशान होते हैं, तो वो कल इतने परेशान हुए, वीडियो कॉल का कपड़ा दिखा रहे कितने का है, बताइए कितने का है, उठा दो। निकल गए भाई जी? हाँ निकल गए, बस अभी आ गए। ये जबरदस्ती पता नहीं क्यों इन्होंने भाई जी को पापे लेने भेजा। तो मैं रात में मंगवाती, मुझे था कि वो मिल गया, तुम्हारा सामान मिल गया तुम्हें? हाँ मिल गया, तभी तो मुझे सामान तुम्हें मिल गया। अन्नो क्या करा तुमने? मैंने अन्नू के का भी ले लिया जो हमारे पास था ना, मैंने कहा अब जो मेरा आएगा वो तुम ले लो, हम खुद भी आएगा आएगा। कोई बात नहीं, रात रुक गई बाबू जी, 9 बजे 6 बजे। अब नहीं, अब तो रात में निकलेंगे, अब तो रात में निकलेंगे, रात में। मम्मी को ऑर्डर मिले, मम्मी ने स्ट्रिक्टली कहा कभी मत रुकना। कोई बात छोनू छट है, सामान हमारा इतना सारा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुंजुवर। तो आ रहा थोड़ा धीरे बात करना। तो कैसे आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी मतलब अभी ठीक ठाक नहीं हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सर्दी लग गई है, सर्दी लगना भी वाजिब था, बहुत ठंड, मतलब दिल्ली में बहुत ठंड है। और वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? ओहो अभी मैं दिखाती हूँ दूसरी मैडम भी। हाँ जी क्या कह रहे हो आप, इधर देख के करो। आप सबको लिबा की तरफ से अस्सलामुअलैकुम, है ना, सब लिबा को रिप्लाई करेंगे, ठीक है भैया, है ना। अब मैं आपको हिजक, अब मैं आपको सोनू भी दिखाती हूँ। ये रही हमारी सोनू का कितना सारा थूक निकला। सोनू 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 ए शोना, शोना का मूड बहुत हैप्पी है, हैपनिंग हो रही है शोना। और यहाँ पर रजाई का हाल देखिए, मतलब रजाई का क्या, मैं पूरे घर का हाल आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, अभी मैं दिखाती हूँ। हम आज ही आए हैं, आपने सुबह देखा था, मैंने फिर उसके बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। ये सामान ठीक है, इसका भी बाप, ये सामान, ये सब मुझे रास्ते लगाना है, तो ये सब मैं अब धीरे धीरे समेट रही हूँ। टाइम क्या हो गया, चलो आपको दिखाती हूँ। टाइम बच गया है 7:10, 7:10 हो चुके हैं। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ आप लोगों को, ज़रूरी बात ये है कि मुझे एक घड़ी लानी थी, क्योंकि ये घड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फैंसी घड़ी होनी चाहिए घर में, क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम भी दिखाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत टाइम से फील भी हो रही थी। लेकिन मैं इतनी बाज़ार चली गई, इतना कुछ खरीद लिया, लेकिन एक घड़ी रह गई। चलो अब सासनी से ही लेंगे, और नहीं तो फिर दिल्ली जाएंगे फिर 2 महीने की छुट्टियों में, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ से लेंगे, ठीक है। और बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इनसे दवाई मंगवाई है। और सुबह हम लोग वहाँ से, आप लोगों ने देखे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल रहे थे, अभी ये लोग सब बहुत नाराज़ हो रहे थे। मम्मी तो इतना नाराज़ है, मम्मी इनसे बिल्कुल नाराज़ हो चुकी हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह ले आए। मतलब एक हमारे यहाँ तरीके से जाती हैं बेटियाँ शादी के बाद स्पेशली,
तो मैं मामू मामी से मिलने भी नहीं गई। लास्ट में हमारे यहाँ तोहफे वगैरह भी देते हैं बेटियों को, विदा देते हैं, वो सब मेरा रह गया है वहाँ पर। और खाना पीना जो होता है हमारे यहाँ, मतलब खाना पीना बहुत सारा बच के आता है, तो फिर वो भी दिया जाता है, तो वो सब मेरा रह गया है। तो बहुत मामू मामी भी नाराज़ हो रहे थे कि ऐसे कैसे चली गई। अभी मम्मी से बात हुई है तो मम्मी बता रही थी, भैया से भी बात हुई थी, भैया नाराज़ हो रहे थे तूने भोलू को नहीं दिखा। भैया इसे सोनू को भोलू कहते हैं, ये लेटा भैया का सोनू। फिर भैया ने फ़ोन किया था तो मैं दोपहर में सो गई थी, नाश्ते वगैरह सबको करा के फिर मैं सो ही रही थी, तो भैया का कॉल आया था। फिर भैया ने कहा मैं बाद में बात करूँगा। अब मैंने शाम को कॉल किया, मैंने कहा क्या कह रहे थे, कह रहे तेरी हिम्मत कैसे हुई भोलू को मुझसे मिलाए बिना ले गई। फिर मैं नाश्ते भी नहीं मिली थी, बस अनु उठ गई थी और अप्पी और भाई जी उठ गए थे, मम्मी पापा उठ गए थे, बस ये खास खास लोग उठ गए थे और बस हम वहाँ से निकल आए। बहुत ही बहुत बहुत बहुत, जब मैं दिल्ली से आती हूँ ना, मैंने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया ना, अरे एक मिनट बेटा, हमेशा शेयर किया ना, मुझे दिल्ली जाना बहुत अच्छा लगता है और दिल्ली से आना बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ एक अलग ही ज़िंदगी है। वहाँ मतलब बहने हैं, यार मोहब्बत है, हंसी मजाक है, बहुत कुछ है। तो वो शायद मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे घर में, जहाँ दो चार बहनें होती हैं ना उस हर घर में वो रौनक लगती है जो हमारे घर में लगती है। मतलब मैं वहाँ से आती हूँ ना, मैं बहुत सारी नींदें अपनी आँखों में लेकर आती हूँ, क्योंकि वो मिनाज है ना, वो हमें सोने ही नहीं देती। हम रोज़ चार पाँच सुबह के सोते हैं और वही फिर वो हमारे हाउस हेल्पर आ जाती है, तो फिर सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा देर तक नहीं सो सकते, फिर बच्चे भी हमारे साथ, तो बच्चे तो फिर उठ ही जाते हैं ना, तो नौ दस हमें उठना पड़ता है, तो फिर नींदें पूरी नहीं हो पाती। दिन में भी आप लोगों को पता है घूमते रहते हैं बैरागू की तरह, कभी मार्केट, कभी कुछ, मतलब अभी देखती हूँ। तो थोड़े से दिन में बहुत कुछ जीना होता है हमें, तो बहुत कुछ हम जी कर आते हैं। ये मैडम ड्राइंग कर रही है, मैं पहले आपको वो ड्राइंग दिखा दी। ओ वाओ लिबा ने देखो कितनी अच्छी ड्राइंग की है, दिख रही है आप लोग को? लिबा ने जूस की ग्लास में से जूस ही बाहर निकाल दिया, बट कोई बात नहीं। और ये जो बुक है ना, आप लोग को याद होगा ये लिबा तुम्हारा ही बर्थडे था जो मुसरत आंटी ने भिजवाया था। हाँ आपका बर्थडे था, हाँ लिबा का ही था शायद, यस हाँ, ये लिबा का ही बर्थडे था, तो उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट, नहीं, लिबा का बर्थडे नहीं था, मैं भूल गई, शोना आई थी इस दुनिया में, तो उन्होंने सबके लिए गिफ्ट भिजवाए थे बच्चों की जो आंटी हैं, अच्छी लगती है, तो उसमें ये लिबा के लिए आया था ड्राइंग करने के लिए, तो लिबा उसमें ड्राइंग कर रही है। और जिन्होंने भी ये गिफ्ट भिजवाया था वो आप देख सकते हैं कि आपके गिफ्ट का कितना अच्छा यूटिलाइज हो रहा है। और अभी और भी बहुत सारे उन्होंने गिफ्ट्स भिजवाए थे, आप लोगों ने देखे ही होंगे, मैंने गिफ्ट ओपनिंग की थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो मैं वो भी ले। अच्छा क्या हुआ था ना, एक सीन हो गया था, मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप देखिए। तो ये जो बॉक्स रखा है ऊपर वाला, ये गिफ्ट से भरा हुआ है, और नीचे वाला तो डायपर्स जो मैंने जाते में दिखाए थे आपको, वही हैं। हाँ तो मैं आपको अपना सीन बताती हूँ कि कन्फ्यूजन में, मतलब कन्फ्यूजन इन द सेंस कि ना इन्होंने कहा और ना मैंने सुना, ना मैंने कहा ना इन्होंने सुना, जो कि हमेशा ही रहता है। तो उससे ये हो गया कि ये छोटी गाड़ी ले गए थे, मतलब डिज़ायर लेके गए थे, और बड़ी गाड़ी नहीं लेके गए थे, और मेरा इतना सामान था, तो ये मुझसे कह रहे थे कि कुछ सामान छोड़ दे। अब ये सारा ही मुझे ज़रूरी लग रहा था, बट स्टिल मैं फिर भी अपना एक बैग, जो छोटा वाला ट्रॉली बैग था ना, वो मैं छोड़ कर आई हूँ, वो बाद में आ जाएगा, तो बाकी ये आ गया। और आप लोगों ने गाड़ी में देखा था हम किस तरह से, मतलब कुछ ज़रा ज़रा सी जगह में बैठे थे। वो तो अच्छी चीज़ ये कि हम लोग की ना रात में हम सोए थे, मैं कल 4 बजे और सुबह इन्होंने मुझे उठा, मेरी खैर तबीयत भी ख़राब थी, मैं 6 बजे की उठी हुई थी, फिर 7 बजे तो ये आ ही गए कि चलो बस चलो, इन्होंने हल्ला मचाया, तो बस वो चीज़ थी। तो क्या कह रही थी मैं कहते भूल जाती हूँ, खैर जो भी कह रही थी अब आप समझ जाना। तो हाँ यही हुआ कि फिर सामान कुछ छोड़ना पड़ा, कुछ हम ले आए हैं, बहुत सारे तोहफे हैं इस बार, मासी आई थी उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, सामने रखा दिखाती हूँ। ये मासी ने दिया था ये वाला बेडशीट का पूरा सेट, और ये इधर ये सूट है, ये नजमाबाजी ने दिया था, तो तोहफे ही तोहफे। और मम्मी ने तो खैर आधी दुनिया दे डाली। हाँ तो मैं ये बता देती कि मम्मी ने तो आधी दुनिया दे डाली, मम्मी ने बहुत कुछ दिया है। बच्चों के सारे कपड़े आप लोगों ने अब तक देख लिए होंगे, रिसेप्शन पे जो कपड़े बच्चों ने पहने थे ना, छोटी बेबी को छोड़ के, सोना को छोड़ के, क्योंकि सोना के मैं बड़े कपड़े लाई हूँ जो कि वो नेक्स्ट ईयर पहन लें। अभी तो दादी ने इतने सारे दिला दिए और ये नेक्स्ट ईयर इसके आएंगे नहीं, तो आपको पता है मैं छोटे कपड़े लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं बड़े लाई थी, लेकिन मैंने वो सोना को नहीं पहनाए क्योंकि दादी ने ऑलरेडी दिलवा रखे थे। तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी कि तीनों बच्चों के कपड़े थे, मेरा सूट था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मतलब सूट कैसा है। इसके अलावा बेडशीट, गर्म बेडशीट दी है मम्मी ने, उसके अलावा रजाई का कवर दिया, सामने रखा दिखा देती हूँ।
जो पॉलीथीन में है ना, ये रजाई का कवर है, बहुत अच्छा है। ये हम दिल्ली से लाए थे, तो मैं आपको दिल्ली मतलब दिल्ली में मेरा मायका तो है ही, लेकिन पुरानी दिल्ली से लाए थे ये, तो ये बहुत अच्छा है। ये जब मैं खोलूँगी ना तब आप लोगों को दिखाऊँगी सब कुछ इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें मैंने भी खरीदी हैं जो अपने पैसों की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है। मैंने बच्चों के लिए बहुत कुछ खरीदा है, क्योंकि हमारे ये होते हैं, मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हमारे ये होते हैं कि हमारे यहाँ पर उतने अच्छे कपड़े फिर नहीं मिल पाते बच्चों के, और मुझे हमेशा ना एक बैराग रहता है कि मेरे पास हमेशा बच्चों के बहुत अच्छे कपड़े होने चाहिए बच्चे, क्योंकि पूरा साल हम लोग यहीं रहते हैं, कहीं आना जाना हो तो ये ना हो कि फिर लेने जाओ एंड टाइम पर, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा साइज़ में भी बड़ा लेती हूँ, ताकि जब भी कहीं जाना हो तो बच्चे अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, बस मेरी यही रहती है। मैं मतलब उतनी अच्छी लगूँ ना लगूँ मुझे उसका इतना नहीं है, पहले रहता था लेकिन अब उसका उतना नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे हमेशा अच्छे लगने चाहिए, मुझे उसकी थोड़ी सी वो रहती है। और बाकी अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह की वजह से ही, अल्लाह की नियामतों की वजह से, अल्लाह ने जो मुझे रिश्ते दिए उन वजह से बच्चे मतलब अच्छे जैसे मैं चाहती हूँ वैसे तैयार हो जाते हैं। और बस यही आप लोगों से कहना था। और मैंने मम्मी से कह दिया था कि एक तो दूध जब हम आ रहे थे तो पापा को फ़ोन करा दिया था, तो सुबह पापा ने 1 किलो दूध लेके रखा था, वो मैंने मतलब बॉयल कर लिया। अब शाम हो रही है तो वो रात को नहीं चल पाया, क्योंकि दिन में ही बच्चों ने पी लिया, फिर मैंने चाय वगैरह भी बनाई थी। अब मम्मी से बोला 2 किलो दूध मम्मी और भिजवाएंगी रात के टाइम। और मैंने कहा आप दाल बना लेना, क्योंकि वो जो मैं खाना लाई थी, हाँ मैं आपको बताना भूल गई, मैं खाली हाथ में आई थी, मैं खाना लाई थी, लेकिन वो नहीं रिसेप्शन वाला नहीं, बारात वाला मामी ने भिजवाया था, तो वो हमने फ्रिज में, इतनी सर्दियाँ फ्रिज में स्टोर कर दिया था, तो वो अन्नू और मेरा हिस्सा था, तो मैं अन्नू का भी उठा लाई। मैंने कहा मैं जल्दी जा रही हूँ, मैं तेरा हिस्सा लेके जा रही हूँ, तो आराम से जाएगी, तो फिर तो मेरा हिस्सा ले जाना जो मेरा मिलेगा। तो बस ऐसे ऐसे हमने करके बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड किया अन्नू मेराज अभी, और सब लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे। अनु भी अपने घर पे अभी बिजी होगी, हमें 2-3 दिन लग जाते हैं थोड़ा सा सेटल होने में, मुझे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मेरे बच्चे हैं और अनु तो जल्दी सेटल हो जाती है। फिर 1-2 दिन बाद फिर खूब सारी बातें करेंगे, गपशप करेंगे, और इन दोनों को याद करेंगे जो हम बिता कर आए हैं, मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ने जैसा हमें मायका दिया ना, अल्लाह हर बेटी को ऐसा मायका दे, और अल्लाह सब बेटियों के मायके और माँ बाप स्पेशली आबाद रखे और उनको लंबी उम्र दे। चलो अब बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं अपने थोड़े बहुत काम जो है ना सेटिंग के वो कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मिलूँगी, बाय।